بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today we are going to start our lesson, the preface to Lyrical Ballad by William Wordsworth. अच्छा, लिरिकल बैलेड्स के बारे में आपको बता दूं कि ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखी थी. ठीक है, इन दोनों की कलेक्शन थी. लेकिन नॉर्मली लिरिकल बैलेड्स को सिर्फ वर्ड्सवर्थ के साथ मंसूब किया जाता है और कॉलरिज के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का जो पोर्शन है उसकी जो उसका जो हिस्सा है लिरिकल बैलेड्स में, वो उसने ज्यादा पोएम्स जो है इसके अंदर ऐड की थी और एस्ट्री कॉलरिज ने कम की थी. इसमें आपकी जो है एंशियंट टू एंशियंट मैरिनर जो है इसकी जो कॉलरिज की पोएम है द एंशियंट मैरिनर, दैट इज वन ऑफ द पोएम जो कि लिरिकल बैलेड्स में लिखी कॉलरिज ने, और जो कि बहुत ज्यादा मतलब अभी भी आपके सिलेबस में भी है एस्ट्री कॉलरिज की, ये द एंशियंट मैरिनर जो है वो लिरिकल बैलेड्स का ही हिस्सा है. तो लिरिकल बैलेड्स बेसिकली दो पोएम्स ने दो पोएट्स की कलेक्शन है, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उनको कहा जाता है, और इसमें दोनों ने जो है यानी कि एस्ट्री कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों का हाथ था. लेकिन आप नॉर्मली मतलब ज्यादातर जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, एस्टी कॉलरिज का नहीं आता, बट इन फैक्ट दोनों ने ही इसमें काम किया था और इन दोनों की कलेक्शन है. तो लिरिकल बैलेड्स जो है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड एज लिरिकल बैलेड्स इन 1798 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज हैज ट्रेडिशनली बीन सीन एज बर्थ प्लेस ऑफ इंग्लिश रोमांटिक्स. तो ये इन्होंने लिरिकल बैलेड, और इसी का हम प्रीफेस पढ़ेंगे. और चीफ एम क्या था इन पोएम्स का, द चीफ एम इन कंपोजिशन ऑफ पोएम्स इज द लिरिकल बैलेड्स हैज बीन टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ, कि उन्होंने चूज किए से इंसिडेंट्स और सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ वे एंड एट द सेम टाइम थ्रो ओवर देम अ कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन वेयर बाय द ऑर्डिनरी थिंग्स वुड बी प्रेजेंटेड टू द माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट. और चीफ एम क्या था इसकी कंपोजिशन ऑफ पोएम में इन लिरिकल बैलेड की, उसने चूज किए थे इंसिडेंट एंड सिचुएशन कॉमन लाइफ से, और एट द सेम टाइम उसने एक थ्रो ओवर किया था, थ्रो ओवर देम कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, और उन्होंने इन्हीं इंसिडेंट और सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ को कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन से जो है एक उसको एक ब्राइटन इफेक्ट दिया था, वेयर बाय ऑर्डिनरी थिंग वुड बी प्रेजेंटेड टू बी टू द माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट, जबकि ऑर्डिनरी थिंग्स को उसने बताया कि वो पार्ट ऑफ द मेमोरी हो जाती है, पार्ट ऑफ माइंड हो जाती है एन अनयूजुअल एस्पेक्ट के तौर पे. द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वाज मेनली रिटन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पोएट्री गाइडिंग वर्ड्सवर्थ कंपोजिशन ऑफ द पोएम्स. अब लिरिकल बैलेड्स क्यों लिखी गई, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वो इस वजह से लिखी गई कि वो मेनली जो है कि वो एक्सप्लेन करती थ्योरी ऑफ पोएट्री को, जो गाइडिंग वर्ड्सवर्थ कंपोजिशन ऑफ द पोएम, जो जिसने वर्ड्सवर्थ कंपोजिशन ऑफ द पोएम्स को शो किया है. वर्ड्सवर्थ डिफेंड्स द अनयूजुअल स्टाइल, ठीक है, उसने डिफेंड किया था इस अनयूजुअल स्टाइल को एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द पोएम्स को, सम ऑफ देम मे बीन एक्चुअली कंपोज्ड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, और कुछ उनमें से सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कंपोज की थी एज एक्सपेरिमेंट टू सी हाउ फार एंड एक्यूरेटली पॉपुलर पोएट्री कुड बी यूज्ड टू कन्वे प्रोफाउंड फीलिंग. और जो है उसमें क्या था, जिसमें हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे एज एक्सपेरिमेंट्स टू सी हाउ फार एंड एक्यूरेटली पॉपुलर पोएट्री कुड बी, कि कितनी जो है एक्यूरेटली पॉपुलर पोएट्री जो है वो कन्वे करती है प्रोफाउंड फीलिंग्स को. इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ वांटेड टू एक्सप्रेस हिज थ्योरी ऑफ पोएट्री, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ पोएट्री को एक्सप्रेस करता है. द प्रीफेस इज देयरफॉर अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट थ्योरी, और इस वजह से ये जो प्रीफेस है ये जस्टिफिकेशन है इस थ्योरी की एंड ऑफ थीम्स एंड स्टाइल्स ऑफ पोएम्स एंड लिरिकल बैलेड, और वो जो थीम्स और स्टाइल्स हैं ऑफ द पोएम्स एंड लिरिकल बैलेड्स उसके बारे में उसने जस्टिफाई किया. एक्चुअली यहाँ पे उसने पोएट्री को डिफेंड किया है, और उसने पोएट्री की डिफेंस में बहुत सारी बातें की हैं, उसके
उसके बारे में उसने एक पोएटिक डिक्शन जो है वो बताई थी, हम आगे चल के इसको भी पढ़ लेते हैं। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलड जो कि 1800s में लिखी गई, वर्ड्सवर्थ सेट हिमसेल्फ इन ऑपोजिशन टू 18th सेंचुरी पोएट्स लाइक पो। ही क्लेम्स दे इम्पोज्ड आर्टिफिशियल कन्वेंशंस ऑन द फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्री। उसने ये क्लेम किया था कि इन्होंने आर्टिफिशियल कन्वेंशंस जो हैं फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री के ऊपर इम्पोज कर दी हैं। कहा जाता है कि ये बर्थ प्लेस है किसका, ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। कौन सी बर्थ प्लेस है? कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश्ड एज लिरिकल बैलड इन 1798 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। और ये जो है बर्थ प्लेस है ट्रेडिशनली बीन सीन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द इंग्लिश रोमांटिसिज्म। इन कलेक्शन ऑफ पोएम को बर्थ प्लेस समझा जाता है ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। अब हम देखते हैं इसमें कि इसके अंदर और जो है क्या क्या हम इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स में देखते हैं। पहली बात ये कि आ रोमांटिक मोमेंट, अ गाइड विच शोज हाउ अ पोएम शुड बी। ये पहली बात ये कि ये लिरिकल बैलड्स जो है वो रोमांटिक मोमेंट को शो करती हैं। दूसरा ये एक गाइड है जो शो करती है कि एक पोएम को कैसा होना चाहिए। नंबर तीन, अ ट्रेडिशन लाइन बिटवीन न्यू क्लासिकल इरा एंड रोमांटिक इरा। और ये एक ट्रांजिशन है, ये एक ट्रांजिशन लाइन थी यानी कि एक चेंजिंग लाइन थी बिटवीन न्यू क्लासिकल इरा के न्यू क्लासिकल इरा से रोमांटिक इरा की तरफ जो है किस तरीके से पोएम्स जो हैं उनकी ट्रांजिशन हुई थी। और ट्रांजिशन किसे कहते हैं? एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाना। आ ट्रांजिशन फ्रॉम साइंटिफिक लॉजिक टू नेचर, वो एक ट्रांजिशन थी फ्रॉम साइंटिफिक नॉलेज टू नेचर। अब यहाँ पे देखिए न्यू क्लासिकल इरा और रोमांटिक इरा की बात हो रही है और फिर उसके बाद साइंटिफिक लॉजिक टू नेचर की बात हो रही है। एक्चुअली दैट रिलेट्स टू 18th सेंचुरी जिसको हम ऑगस्टन एज कहते हैं या एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। आफ्टर रेनेसां जो है साइंटिफिक रीजंस और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी, जैसे हमने गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट में पढ़ा था और वो न्यू क्लासिकल इरा को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके अंदर हमने देखा कि लोग इतना ज्यादा लॉजिक्स और रीजंस में पड़ गए थे कि वो फेथ से भी दूर हो गए थे और नेचर से भी दूर हो गए थे। और ये जो रोमांटिक मोमेंट है ये जो है पोएट्री को क्लोज टू नेचर लेके आए थे, ठीक है, ह्यूमन नेचर भी और जो नेचर कुदरत जो हमें नजर आती है किट के नजारे वो भी। और उसने ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने कि इंसान को सुकून तब मिलता है जब वो जो है नेचर के करीब होता है। इसलिए इसको वर्ड्सवर्थ को कहा जाता था कि ये लेक पोएट है क्योंकि ये एक्चुअली ये इसका जो घर था या ये रहता भी लेक के करीब ही था और ये जो ब्यूटी है ब्यूटी ऑफ अर्थ और हर चीज से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता था, ब्यूटी से स्पेशली जो नेचुरल ब्यूटी है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था और उसको हर चीज में खुदा की कुदरत नजर आती थी। वी कैन एनालाइज लिरिकल बैलड्स अंडर 3 हेडलाइंस। और अगर लिरिकल बैलड्स को देखा जाए तो उनको 3 हेडलाइंस में हम देख सकते हैं। नंबर वन, क्वालिफिकेशंस ऑफ द पोएट, यानी कि पोएट की क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि उसको वो कैसा होना चाहिए। नंबर दो, इसमें हम देखते हैं। नंबर टू, लैंग्वेज ऑफ अ पोएम। और नंबर थ्री, टॉपिक्स ऑफ द पोएम कैसे होना चाहिए। तो उसमें एक आइडिया दिया था, जनरल आइडिया दिया था वर्ड्सवर्थ ने कि ये सब चीजें किस तरह की होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कैसी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770 इन अ लिटिल टाउन इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बोर्न हुआ 1770 में एक लिटिल टाउन इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। इन 1787 ही एंटर्ड कैम्ब्रिज एंड व्हाइल स्टिल अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही वेंट ऑन 3 month वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस the Swiss Alps and Italy and was greatly impressed by the beauty of the landscape. वो beauty of landscape से बहुत ज़्यादा inspire होता था। When he finished his degree, he returned to France and became a passionate supporter of the democratic ideas of French Revolution. जब वो वापस आया France तो वो बहुत passionate supporter हो गया of the democratic ideas किसका, of French Revolution. In 1794, he went to live with his sister Dorothy in a small village in Dorset. In the same year, he met Samuel Taylor Coleridge. ठीक है, 1794 में वो जो है अपनी sister Dorothy के पास in a small village in Dorset चला गया
और उसी साल वो जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिला था, अ पोएट विद सिमिलर रेडिकल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी व्यूज, दिस फ्रेंडशिप हैज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन बोथ पोएट्स. विलियम एंड डॉरथी वेंट टू लिव क्लोज टू कॉलरिज, टुगेदर दे डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज, रीड रोट एक्सचेंज थ्योरीज ऑन पोएट्री एंड कमेंटेड ऑन ईच अदर्स वर्क. In this period of intense creativity, they produced the lyrical palette. और इसी period of intense creativity में उन्होंने एक lyrical ballads जो है वो produce की, a collection of poems, जो कि एक collection of poems थी. The second edition of 1800 contained Wordsworth's famous preface. और जो second edition of 1800 था उसमें Wordsworth का famous preface जो है वो भी था, which was to become the manifesto of English Romanticism, जो English Romanticism का एक manifesto बन गया. ये भी question आता है Wordsworth के, ये जो lyrical ballad है, preface to lyrical ballad is the manifesto of English Romanticism by, ठीक है, ये आपके questions में आया होगा. In 1799, William and Dorothy moved to Grasmere, one of the loveliest village in Lake District. A region that Wordsworth immortalized his poetry. इसलिए इसको Lake Poet कहा जाता था. 1799 में विलियम और उसकी बहन जो है Dorothy, वो जो है ग्रासमेयर में मूव कर गए, और जो कि एक बहुत खूबसूरत विलेज था इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, और एक ऐसा रीजन जहाँ पे विलियम ने ऐसी पोइट्री लिखी जो कि इमोर्टलाइज हो गई, मतलब बहुत ही खूबसूरत पोइट्री उसने वहां जाके लिखी, यानी कि वो उधर के नजारे देखता था और पोइट्री लिखा करता था. His life can be divided into four major periods, childhood and youth. Uski jo life hai usko hum char hisson mein taqseem kar sakte hain, childhood or youth, university life, travels around the world and revolutionary experience. Phir hai the great decade, the final period. Theek hai, ye char hisson mein hum iski life ko dekhte hain. Three things clearly emerges from his poems. Firstly, he loved to be alone. Theek hai, तीन चीजें जो हैं उसकी पोएम से हमें पता चलती हैं. पहली बात ये कि वो अकेला रहना पसंद करता था, एंड नेवर फेल्ट लोनली इन नेचर, और नेचर में कभी वो अकेला नहीं फील करता था अपने आप को. सेकेंडली, ही फेल्ट प्रेजेंस ऑफ सम लिविंग स्पिरिट, रियल दो अनसीन, और उसको ऐसे लगता था जैसे कोई लिविंग स्पिरिट उसके साथ है जो कि रियल है लेकिन अनसीन है, ठीक है, उसको नजर नहीं आता, मौजूद है लेकिन अनसीन नहीं है. Thirdly, his impression of nature were delightfully familiar. Thirdly, उसके जो impressions of nature थे, वो delightfully familiar थे. Wordsworth as a poet देखते हैं कि वो किस तरह का poet था. One of the giants of English poetry, plenty of inferior work written by him. यानी कि आम उसने inferior work, plenty of inferior work written by him. यानी कि उसने आम जबान में आम काम किया था. His historical importance, his theories of poetry and the revolution he affected. Uski theories of poetry jo hai wo bahut zyada, aur uski wajah se jo revolution aaya jo ke usne affect kiya. As a poet of nature, a poet of childhood, as a poet, poet reflection and philosophical thought. He is lyrical gift, uske jo lyrical gift hai. The preface to lyrical ballads. अब इसमें देखते हैं कि इसके जनरल ट्रेड क्या हैं. इसके अंदर उसने सबसे पहले डिफाइन किया प्राइमरीली लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर के प्राइमरीली लॉज क्या हैं. फिर उसने लो एंड रस्टिक लाइफ को डिफाइन किया है, लैंग्वेज ऑफ रस्टिक पीपल, ठीक है, रस्टिक पीपल यानी कि ये जो मकामी लोग थे वहां के, या रस्टिक यानी कि ये जो आप समझ लें कि गांव कस्बों के लोग होते हैं उसको यहाँ पे कहा जाता है. कंसेप्शंस ऑफ पोएट एंड पोएट्री, और उसने कंसेप्शन दी थी पोएट और पोएट्री का. रेवोल्यूशन एंड डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट एज द बेसिक ऑफ हिज पोएटिक थ्योरी, और रेवोल्यूशन और डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट थे जो कि रेवोल्यूशन डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट उसके पोएटिक थ्योरी के बेसिक थे. फिर देखते हैं कि ये पोएटिक थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, ठीक है, उसने इसके अंदर एक थ्योरी ऑफ पोएट्रिक डिक्शन जो है वो बताई थी, और हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि उसने पोएटिक डिक्शन की क्या डेफिनेशन बताई थी. और इसी तरीके से नॉट ओनली विलियम वर्ड्सवर्थ ने
फिलिप सिडनी ने, टी एस एलियट ने, कॉलरिज ने, इन सब ने एक थियोरी ऑफ पोएटिक डिक्शन दी थी, और हम सबकी ही पोएटिक डिक्शन पढ़ेंगे, यहाँ तक कि अरिस्टोटल की पोएटिक्स में भी आपको पोएटिक डिक्शन मिलेगी कि उसके हिसाब से पोएटिक डिक्शन मीन के पोएटिक रूल्स एंड लॉज क्या है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, देन फिलिप सिडनी एंड देन विलियम वर्ड्सवर्थ. तो उसने थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन जो है वो इसमें बताई थी. द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इन द मिडल एंड लोअर क्लासेस ऑफ अ सोसाइटी, अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रेयरली यूज्ड बाय मेन. फिर कॉलरिज की क्रिटिसिज्म देखेंगे हम इसके अंदर, लेसनिंग द रेंज ऑफ इमोशन, पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन. ये इसने पोएट्री की डेफिनेशन दी थी कि पोएट्री जो है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है इमोशन का, और पोएट्री एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. और उसने पोएट्री को बताया था कि ये एक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है जो कि रिकलेक्ट होता है इन ट्रैंक्विलिटी. द सर्विस डन बाय वर्ड्सवर्थ टू पोएट्री, द मीटर एंड पोएट्री. ठीक है, सर्विस जो है वो डन हुई बाय वर्ड्सवर्थ टू पोएट्री और मीटर और पोएट्री. द लिरिकल बैलेंस, द लिरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉल्यूम, द मेटाफिजिक ऑफ द इमेजिनेशन. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर लिरिकल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि इस पूरी किताब के जो लिरिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे. द मेटाफिजिक्स ऑफ इमेजिनेशन देखेंगे, द लाइफ ऑफ द सेंस देखेंगे, अ चैलेंज टू जनरल पोएट्री रीडिंग हैबिट्स, और एक चैलेंज होगा टू जनरल पोएट्री रीडिंग हैबिट्स का. वर्ड्सवर्थ डेमोक्रेटिक सिंपथीज वो हम देखेंगे, ब्लैंक वर्स पोएम्स, द डिसइंटीग्रेशन brought about by the volume, और एक disintegration जो के इसकी वजह से, इस volume की वजह से आए. उसके बाद देखेंगे हम कि Wordsworth as a poet of nature, Wordsworth was a great innovator, he found his greater inspiration in nature. His poetry offers an account of the interaction between man and nature, of the influences, emotions and sensations which arise from this context. His main interest in the poet's response to nature, natural object. One of the most consistent concept in his poetry is the idea that man and nature are inseparable. Ek jo most consistent concept hai uski poetry mein wo ye idea hai ki insaan jo hai man and nature are inseparable, yani ki man aur nature jo hai wo inseparable hain, juda nahi ho sakte. Man is an active participant in the natural world. Nature is something that includes both inanimate and human nature. ठीक है, nature जो है वो कोई ऐसी चीज है जो कि include करती है both inanimate and human nature. Inanimate यानी कि ऐसी चीजों को जो कि inanimate है, चल फिर नहीं सकती, static है, और human nature. Each is a part of same whole. Nature comforts man in sorrow. Nature is a source of pleasure and joy. Nature teaches man to love and to act in a moral way. Wordsworth's poetry celebrates the lives of simple rural people. He sees them more sincere than people living in cities. Wordsworth ki jo poetry hai celebrate karti hai lives of simple rural people ko, aur wo unko aisi dekhta hai more sincere than people living in cities. Wo kehta hai ki ye gaon ke log zyada achhi life, natural life guzarte hain as compared to the people life in cities. कंसेप्ट ऑफ पोएट्री देख लेते हैं इसका क्या है. वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट इंट्यूशन नॉट रीजन शुड गाइड द पोएट. वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि इंट्यूशन रीजन नहीं बल्कि इंसान की इंट्यूशन यानी कि उसकी जो अक्ल होती है, उसका जो फहम होता है, वो शुड गाइड द पोएट, वो उसको गाइड यानी कि उसके जो इमोशंस होते हैं वो पोएट को गाइड करते हैं, रीजंस नहीं. अगर इंसान रीजन में पड़ जाता तो वो अच्छी पोएट्री नहीं कर सकता. और उसमें इंट्यूशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन शुड कम फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस, यानी कि इंट्यूशन आपके सेंसेस, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को कहा जाता है. तो वो कहते हैं इंस्पिरेशन जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेस से आता है, वो आपकी रीजन से नहीं आता. तो इंस्पिरेशन, इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है तब भी वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेस से में उसकी काम करती है. Wordsworth exploited especially the sensibility of eye and ear. उसने exploit किया sensibility को of eye and ear को, उसने इससे ज्यादा emotions को और thoughts को जो है वो ज्यादा अहमियत दी as well as compared to eye and ear. ठीक है, उसने अकल को कम और
इमोशंस को ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी है. पोइट्री ही रोट इन द प्रीफेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. पोइट्री वो कहता है ही रोट इन द प्रीफेस वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. ये इसकी थ्योरी ऑफ पोइट्री है, ये इसकी डिक्शन ऑफ पोइट्री है कि पोइट्री कहाँ से इमर्ज होती है. पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग से विच इज फिल्टर्ड थ्रू इमोशनल रिकलेक्टेड इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ये इसकी डेफिनेशन है और ये आपने याद करनी है कि पोइट्री जो है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का नाम है, ठीक है, जो कि फिल्टर होती हैं इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी कहते हैं अकेले जब आप लॉनली होते हैं और आपको एक सूदिंग सा एक इफेक्ट होता है और आपको किसी चीज से इंस्पिरेशन होती है, तो उस वक्त जो आपके इमोशन रिकलेक्ट होते हैं आपके माइंड में, तो पोइट्री जो है वो उन फीलिंग्स का, उन इमोशंस का जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, ठीक है, जो कि आप अकेले में ट्रैंक्विलिटी में जब आपको एक लॉनलीनेस में एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है तो उस वक्त जो आपके इमोशंस रिकलेक्ट होते हैं पोइट्री उन्हीं के ओवरफ्लो का नाम है. और स्पॉन्टेनियस यानी कि कंटिन्यूस ओवरफ्लो. मेमोरी प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ पोइट्री. फिर रोल ऑफ मेमोरी की भी वो बात करता है क्योंकि जाहिर बात है वो माइंड की बात कर रहा है, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और वो कहाँ होते हैं, मेमोरी में सेव हो जाते हैं, माइंड में होते हैं. poetry result from active relationship of present to past experience. फिर वो कहते हैं कि poetry जो है वो result है from active relationship to the present to of present to past experience. through the recreative power of memory the emotion is reproduced and purified in poetic form so that a second emotion kindred to the first one is generated. और इस तरह से through the recreative power of memory इमोशन जो है वो रिप्रोड्यूस होता है और प्योरीफाई होता है इन द पोएटिक फॉर्म, ताकि जो है सो दैट द सेकंड इमोशन किंडर टू द फर्स्ट वन इज जनरेटेड. तो सॉरी किंडर टू द फर्स्ट वन इज जनरेटेड. और इसी रिक्रिएटिव प्रोसेस और पावर ऑफ मेमोरी की वजह से इमोशन जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, प्योरीफाई होता है इन पोएटिक फॉर्म, और जो सेकेंड इमोशन होता है वो फिर किंडर होता है टू द फर्स्ट वन इज जनरेटेड, यानी कि उसके साथ वो रिप्लेस हो जाता है. अब यहाँ पे देखते हैं हम एंटायर प्रोसेस शुड बी. सबसे पहले हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट होती है, कौन देखता है, पोइट देखता है. उससे क्या होता है, उसको एक सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, यानी कि उसकी फाइव सेंसेस जो है उस ऑब्जेक्ट को देखते ही इंस्पायर हो जाती है और उसका उसके इमोशंस के ऊपर, यानी कि वो जो पोइट्री है दैट इज द रिकलेक्शन ऑफ इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी. तो वो एक्सपीरियंस जो है उसके उसकी वजह से उसके इमोशंस जो है वो इमर्ज होते हैं. इमोशंस कहाँ रिकलेक्ट होते हैं, माइंड में, मेमोरी में, और फिर मेमोरी में उसकी रिकलेक्शन होती है इन ट्रैंक्विलिटी, और फिर एक किंडर्ड इमोशन आता है जो कि फिर फाइनली पोएम बनता है, और फिर उसके बाद हम रीडर का इमोशन देखते हैं अबाउट दैट पोएम. The poet has greater sensibility and the ability to penetrate to the heart of the thing. The power of imagination enables him to communicate his knowledge. Poetry जो है उसकी एक greater sensibility है और एक ability है कि वो penetrate कर जाता है in the heart of the things में. और ये जो power of imagination है ये उसको enable करती है to communicate his knowledge, कि वो communicate करे अपने नॉलेज के साथ. द पोएट बिकम्स अ टीचर हु शोस मैन हाउ टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स. पोएट जो है वो एक टीचर बन जाता है जो शो करता है कि किस तरीके से मैन जो है अंडरस्टैंड करते हैं उनकी फीलिंग्स को. हु शोस हाउ मैन अंडरस्टैंड, पोएट ये शो करता है, पोएट फिर एक टीचर बन जाता है जो ये शो करता है कि इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं एंड इम्प्रूव देयर मॉरल बींग, और वो अपनी मॉरल बींग्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं. The poet task consisted. अब यहाँ पे सारा poet का task दिखाया जा रहा है कि poet जो है अब उसको कैसे, पहले हमने poetry के बारे में पढ़ा, अब हम poet के बारे में पढ़ा. The poet's task consists in drawing attention to the ordinary thing of life. और poet का task क्या है कि वो consist करते हैं in drawing attention to ordinary things of life, कि वो draw करते हैं attention to ordinary things of life को, to humblest people. Humblest people को where the deepest emotions and truths are to be found, जहाँ पे deepest emotions और truths जो है वो found होते हैं. Features of preface to lyrical ballad.
The chief aim in composition of poems in lyrical ballad has been to choose incidents and situations from common life. और chief aim क्या है? वो ये है कि composition of poems है in lyrical ballad. उसको choose करना है to choose incidents and situations from common life. Incidents or situations common life से choose करने and at the same time throw over them a coloring of imagination. और वो थ्रो ओवर करते हैं एक कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन वेयर बाय द ऑर्डिनरी थिंग वुड बी प्रेजेंटेड टू माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट और जहां पे ऑर्डिनरी थिंग जो है उनको प्रेजेंट किया जाता है टू द माइंड इन एन अनयूजुअल एस्पेक्ट द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वाज मेनली रिटन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पोएट्री गाइडिंग वर्ड्सवर्थ कंपोजिशन ऑफ द पोएम और ये प्रीफेस जो लिरिकल बैलेड है ये मेनली रिटन है कि वो इस थ्योरी ऑफ पोएट्री को गाइड थ्योरी ऑफ पोएट्री गाइडिंग वर्ड्सवर्थ कंपोजिशन ऑफ पोएम जो कि गाइड करता है वर्ड्सवर्थ की कंपोजिशन ऑफ द पोएम को वर्ड्सवर्थ डिफाइन द अनयूजुअल स्टाइल एंड सब्जेक्ट ऑफ द पोएम सम ऑफ देम मे हैव बीन एक्चुअली कंपोज्ड बाय सैमुअल टेलर एज एक्सपेरिमेंट टू सी हाउ फार एंड एक्यूरेटली पॉपुलर पोएट्री कुड बी यूज्ड टू कन्वे प्रोफाउंड फीलिंग In the preface to lyrical ballads, Wordsworth wanted to express his theory of poetry. The preface is therefore a justification of that theory and of the themes and style of poems in lyrical ballad. A preface to lyrical ballad jo hai, usme Wordsworth chahta hai ki wo express kare is theory of poetry ko. Isliye apne the preface mein usne ek preface jo hai wo justification hai us theory ka aur un themes ka aur styles ka jo ke उन पोएम्स का जो कि लिरिकल बैलेड्स में इंक्लूडेड है इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 18 वर्ड्सवर्थ सेट हिमसेल्फ इन ऑपोजिशन टू 18th सेंचुरी पोएट्स लाइक पॉप ही क्लेम्स दे इंपोज्ड आर्टिफिशियल कन्वेंशन ऑन फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री और कोट्स फ्रॉम लिरिकल बैलेड देख लेते हैं कि पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज ये जितनी भी कोर्स हैं ये आप अपने उसमें लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर पर लिख लीजिएगा इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज द कॉन्टिनेंस ऑफ ऑल साइंस और वो कहते हैं कि पोइट्री जो है ब्रीद और फाइनल स्पिरिट है तमाम नॉलेज का और इट इज ये इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन है जो कि कॉन्टिनेंस है तमाम साइंस का और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था मोटो देख लेते हैं रिटर्न लिरिकल बैलेट का रिटर्न टू नेचर वॉज देयर मोटो दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द आर्टिफिशियल अर्बन लाइफ एंड फाउंड रिफ्यूज इन कंट्री लाइफ ये जो है आर्टिफिशियल अर्बन लाइफ से दूर भागते थे और रिफ्यूज यानी कि सुकून हासिल करते थे कंट्री लाइफ में और नेचर में यानी कि गाँव की जिंदगी में और नेचर में रिफ्यूज हासिल करते थे दे वर्शिप नेचर Love of nature for them means love of mankind, humanism, and a more worldview that encompasses the idea of freedom and equality. Preface to lyrical ballad, देख लेते हैं. The preface can be split in four main parts: the content, the language, the poet, the poetry. ठीक है ये चार चीजें हैं जिसमें ये divide हुआ है preface to lyrical ballad. और lyrical ballads में देख लेते हैं lyric किसे कहते हैं और बैलेड किसे कहते हैं इन एंशियंट ग्रीस अ लिरिक वाज अ सॉन्ग टू एकॉम्पनी म्यूजिक फ्रॉम अ लायर अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लेटर द वर्ड वाज यूज्ड फॉर एनी शॉर्ट पोएम इन विच पर्सनल मूड्स एंड इमोशंस वर एक्सप्रेस्ड नाउ अ डेज द वर्ड्स ऑफ पॉपुलर सॉन्ग्स आर कॉल्ड लिरिक्स बैलेड में देख लेते हैं बैलेड इज अ पोएम और सॉन्ग विच यूजली टेल्स अ स्टोरी इन पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द डे एंड हैज एसोसिएशन विद ट्रेडिशनल folk culture an experiment varied in form broke with tradition of the new classical era that preceded scenes of common life versus epic literature wo hame iske andar milenge in text